नमस्कार, समथिंग इन बिटवीन के 119वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से एक देश एक चुनाव की वकालत की है। गुरुवार को पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने फिर एक देश एक चुनाव पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ये महज चर्चा का विषय नहीं है, एक साथ चुनाव कराना भारत की जरूरत है। हर महीने किसी न किसी इलाके में चुनाव के कारण इसका प्रभाव विकास कार्यों पर पड़ता है। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने एक देश एक चुनाव की वकालत की है। केंद्र की सत्ता की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री लगातार विभिन्न मंचों के जरिए इस सवाल को उठाते रहे। बीते साल जून महीने में उन्होंने इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में विधि आयोग ने भी विभिन्न दलों से इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया था। मुख्य बात यह है कि एक साथ चुनाव कराने की पक्षधर भाजपा ही रही है। पहली बार साल 1999 में जब विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने की सलाह दी तो उस समय भी केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली वाजपेयी सरकार थी। वाजपेयी सरकार के जाने के बाद 10 साल तक चली यूपीए सरकार में इसकी चर्चा नहीं। ऐसे में सवाल है कि भाजपा ही मुख्य रूप से एक साथ चुनाव कराने का अभियान क्यों चला रही है? क्या वाकई एक साथ चुनाव कराना संभव भी है? अगर एक साथ चुनाव कराया गया तो इसका नफा नुकसान क्या है, और ये भी कि एक साथ चुनाव कराने की राह में रोड़ा क्या है? जाहिर तौर पर नियमों पर परिवर्तन कर एक साथ चुनाव कराया जा सकता है, हालांकि इसके लिए व्यापक स्तर पर सर्वसम्मति बनानी हो। अब सर्वसम्मति की राह में बड़े रोड़े हैं। मान लीजिए किसी राज्य में किसी दल की सरकार बने एक या दो साल ही हुए हैं, ऐसे में क्या वो दल एक साथ चुनाव कराने के लिए विधानसभा भंग करने के लिए राजी होगा? फिर अहम सवाल है कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल और मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव के नारे तो लग रहे हैं, मगर सरकार या विधि आयोग इसे जमीन पर उतारने की कोई दृष्टि पेश नहीं कर रहे। मसलन मान लीजिए कि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस प्रक्रिया के तहत केंद्र और अलग अलग राज्यों में सरकार बन गई। इसके बाद किसी राज्य या केंद्र में कोई सरकार बहुमत के अभाव में गिर गई, ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या इसके बाद मध्यावधि चुनाव नहीं कराए जाएंगे, और अगर कराए जाएंगे तो एक देश एक चुनाव की क्या अहमियत रह जाएगी? और अगर चुनाव नहीं कराए गए तो संसद या विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक संसदीय प्रक्रिया कैसे चलेगी? इस बारे में दलों से सलाह देने वाला विधि आयोग के साथ मोदी सरकार भी मौन है। जाहिर तौर पर सभी पक्षों पर विचार विमर्श किए बिना और इन मुश्किल सवालों का हल निकाले बिना ही एक देश एक चुनाव का हुआ खड़ा किया जा रहा है। वैसे जब विधि आयोग ने इस मुद्दे पर विभिन्न दलों से चर्चा शुरू की थी, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, तब इस पर सहमति बनने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिखी। मसलन कांग्रेस बसपा समेत कई दलों ने इस मामले में अपनी राय नहीं दी। वाम दलों टीएमसी और डीएमके ने इस विचार का कड़ा विरोध किया, जबकि सपा शिरोमणि अकाली दल और टीआरएस ने इस विचार का समर्थन किया। जहां तक देश के चुनावी इतिहास का सवाल है तो आजादी के बाद 4 बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए। साल 1951 में साल 1967 तक ये सिलसिला चलता रहा, वह भी तब तक जब तक कि देश में कांग्रेस का एक छत्र राज था। साल 1967 में विपक्षी की मजबूती के कारण स्थिति में थोड़ा बदलाव आया।
कई राज्यों में विपक्ष के कई अलग अलग धड़ों ने मिलकर सरकार बनाई और मतभेद के कारण सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। देश में जैसे जैसे भाजपा और दूसरे विपक्षी दलों की स्थिति मजबूत हुई, वैसे वैसे अलग अलग समय पर चुनाव का सिलसिला भी शुरू हुआ। ये सही है कि देश में लगातार चुनाव बहुत अच्छे संकेत नहीं है। निश्चित रूप से इस कारण देश पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है। आचार संहिता के कारण विकास की गति धीमी होती है, मगर अहम तथ्य यह है कि एक देश एक चुनाव का नारा तो लग रहा है, मगर कोई भी दल इसका बेहतर विकल्प नहीं सुझा रहा। यहाँ तक कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली भाजपा भी ये नहीं बता पा रही कि आखिर इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। जमीन पर उतारने के कारण आने वाली समस्याओं का निराकरण आखिर कैसे किया जाएगा? वैसे भी बीते लोकसभा चुनाव के पहले जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे, तब उस मुद्दे को जबरदस्त हवा मिली थी। एक देश एक चुनाव के मुद्दों को मजबूती देने के लिए मोदी सरकार इन राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कराना चाहती थी। प्रस्ताव ये भी था कि लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में भी समय से पहले लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करा लिया जाए। ऐसे राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल थे। हालांकि तब भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ही इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस पर सवाल उठा कि जिस विचार पर खुद भाजपा एकमत नहीं है, उसे पूरे देश में लागू कैसे किया जा सकता है? हाँ, ये सच है कि भाजपा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा एक साथ चुनाव कराने की, ठीक ऐसी इच्छा दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी थी। वह इसलिए कि उस दौरान नेतृत्व के मामले में वाजपेयी विपक्ष के नेताओं पर भारी पड़ रहे थे। उनका कद विपक्षी नेताओं के मुकाबले काफी बड़ा था। ठीक यही स्थिति अब भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद विपक्षी नेताओं के मुकाबले कई गुना ज्यादा भारी है। इसलिए पार्टी चाहती है कि इनकी लोकप्रियता के सहारे और साथ साथ चुनाव होने पर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष पर भारी पड़ेगी। वह इसलिए कि ऐसी परिस्थिति में वोट देने से पहले मतदाता नेतृत्व को वरीयता देंगे। यह भाजपा की सोच हो सकती है, मगर हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि देश के मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दों पर वोट करते हैं। मतदाताओं के वोट करने के इसी तरीके के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने वाली भाजपा लोकसभा में विपक्ष को करीब करीब सूपड़ा साफ कर देती है। इसके उलट दिल्ली में लोकसभा चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ करने वाली भाजपा का विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सूपड़ा साफ कर देती है। साथ साथ चुनाव के बावजूद उड़ीसा में बीजेडी विधानसभा चुनाव में तो अपना जादू दिखाती है, मगर लोकसभा में नहीं दिखा पाती। जाहिर तौर पर ठोस दृष्टि के अभाव में फिलहाल एक देश एक चुनाव का नारा सियासी स्टंट ही दिखता है। भाजपा इस मुद्दे को तूल देकर देश हित के प्रति सबसे अधिक समर्पण का भाव रखने का सियासी संदेश देना चाहती है। नमस्कार।